जिनसे रिजेक्ट होना है अब कई लड़कियों के प्रेस्टीज का सवाल, सख्त लड़के की मिसाल चिराग कोटवाल। क्या खबर थी जानना तुमसे प्यार हो जाएगा, क्या खबर थी जानना तुमसे प्यार हो जाएगा। तुमसे प्यार हो जाएगा, क्या खबर थी जानना तुमसे प्यार हो जाएगा, क्या खबर थी जानना तुमसे प्यार हो जाएगा। दिल मेरा है जाने जाना, अनमोल है ये खजाना, तुझ पे लुटाऊंगा सदके मैं जाऊंगा, तुझ पे लुटाऊंगा सदके मैं जाऊंगा। मुझसा है आशिक कहाँ, क्या खबर थी जानना तुमसे प्यार हो जाएगा। ला 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 सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन, बर्दाश्त नहीं कर सकता अब दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन। कमाल ये पैदा करता है लाखों सवाल, ये इश्क विश्क तो यार बड़ा है कमाल, ये पैदा करता है लाखों सवाल। सकता अब दूर नहीं रह सकता एक दिन, बर्दाश्त नहीं कर सकता अब दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन। बर्दाश्त तो तुमने इतना अच्छा गाया है कि मुझे लगता है कि मैं वहां पर आकर उन यादों को ताजा कर दूं जो अब्बास भाई मुस्तान भाई की वजह से रंगीन हो गई थी। दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। लेकिन तुम्हें है कोई जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मैं ये कहने ही वाला था कि अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ओए, ये एक बहुत ही दुख भरी दास्तान है। प्लीज वहां पर देखिए, देखिए काव्या लिमय हैज अनफॉलोड चिराग कोटवाल ऑन इंस्टाग्राम। आज के समय में ब्रेकअप से भी ज्यादा कुछ चुभता है तो वो है अनफॉलो।
मैं काव्या से जानना जरूर चाहूंगा कि काव्या आपने चिराग को अनफॉलो किया क्यों? इतनी नफरत क्या इसीलिए क्योंकि उन्होंने सख्ती दिखाई तो आप भी अपनी सख्ती दिखाना चाहती हैं? बिल्कुल भी नहीं, सख्ती दिखाने के लिए नहीं, और चिराग से मैं बिल्कुल नफरत नहीं करती, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सब कुछ एकदम अच्छा है, पर मैं जस्ट ऐसा फील करती हूँ कि उसमें ना आजकल थोड़ी सी अकड़ आ गई है, मतलब वो एरोगेंस में घूमता रहता है जब से लड़कियों ने बोलना शुरू किया कि मुझे रिजेक्ट करो ये सब, मतलब उसने राखी वाखी बांधी, रिजेक्ट किया, सब ठीक है, छोटी मोटी बात है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसमें जो एरोगेंस आ गया ना वो मुझे पसंद नहीं। ओहो, यानी कि जिस दिशा में चिराग की सख्ती जा रही है वो दिशा काव्या पसंद नहीं करती है। She does not appreciate the fact. मैं तो ये कहूंगा कि चिराग को ये कहना चाहिए कि ये तो मेरी नरमी का स्टाइल है, अभी अकड़ का स्टाइल दिखाऊंगा। और तुमने मेरी नरमी के स्टाइल में ही मुझे अनफॉलो कर दिया है। आगे आगे देखो क्या होता है। अकड़ इसमें भी आई है। वो शायद जो तुझ में आई वो तुझे दिख रही है, मेरे से रिफ्लेक्ट हो रही है। तुझ में आपसे तू तड़ाक शुरू हो गया है सर। पहले इतनी रिस्पेक्ट, इतना आदर करता था काव्या आपसे, अभी ए तू तू टिटिटिटिटा। माय गॉड, आई डोंट नो अगले हफ्ते तक ये कहानी कहां जाएगी। और चिराग, मैंने सुना है कि आप काव्या के लिए गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। खुद को क्या समझती है, इतना करती है, आइडल में नहीं नहीं आई एक लड़की है, ओ यारो ये हमें लगती है सखरी, आओ चखा दे मजा। चिराग, ऑल द बेस्ट, तुमने हिला के रख दिया है, वेरी नाइस। थैंक यू चिराग। थैंक यू सर। 10 दिसंबर 2022 की वो ठंडी रात, जैसे ही यहाँ एक बंदे ने अपनी सख्ताई दिखाई और काव्या से राखी बंधवाई, 5 करोड़ छोरियां बावरी हो गई। कल ये एक गली से गुजरे जब एक सुंदर और घमंडी लड़की ने इनको यूं उंगली दिखाकर अपने पास बुलाया और कहा, हमारी खूबसूरती की शान में तो लाइन को। ये उसके पास गए और बड़े रोमांटिक अंदाज में बोले, रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, तेरे एटीट्यूड के लिए दो ही वर्ड्स, थू थू थू। सख्ताई देखो। रिजेक्टेड माल, लेडीज कम्युनिटी के दिल का बवाल, चिराग कोटवाल। एटीट्यूड अभी भी रिजेक्शन का छाया हुआ है ब्रो। शहनाज मैम आ रही हैं और शहनाज मैम बहुत खूबसूरत हैं, और जब हम किसी खूबसूरत इंसान से मिलते हैं तो खुद भी थोड़ा अच्छा बनना पड़ता है, और शहनाज मैम स्टाइलिश भी बहुत हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब उनके सामने जाऊँ तो अपना स्टाइल चेंज करके जाऊँ। प्रेजेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, 10 आउट ऑफ 10 शीरो। Chirag, you're only mine. Oh my God! अरे चिराग, ओए! अरे, अरे! चिराग, मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझे 10 में से कितना रेट करोगे, पहले तो ये बताओ। मैं 10 ही करूंगा। चिराग, गलत जवाब दे, सख्ती बरकरार रख। 10 तो ठीक है, साथ में मैम लगा दिया,
You rejected me, यार. मैं आपको शहनाज 10 out of 10 देना चाहूँगा. Thank you. हसीना से यूं मुलाकात हो गई. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई. गजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. बात है चिराग, इस सीजन की एक बहुत स्पेशल बात है कि आप जब सारे लोग जब किशोरदा के गाने गा रहे हो तो आप उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो, उनकी अदाकारी को, उनके वॉइस के जो बैंडविड्थ को उसको जस्टिफाई कर रहे हो, विच इज इनक्रेडिबल. थैंक यू सर. थैंक यू चिराग.
बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।